ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। आज हम लोग चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के पहले अध्याय 50वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से श्रील तुलसीदास कविराज गोस्वामी इस गुरु तत्व की व्याख्या में अलग अलग वैदिक प्रमाण देते हुए अब डायरेक्ट भगवद गीता से ही वो तो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कल श्रील तुलसीदास कविराज गोस्वामी के द्वारा दिया हुआ ये श्लोक भगवदगीता से, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। इस श्लोक पे हमने चर्चा किया था। इस श्लोक चतुर्श्लोकी गीता भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। कि हाँ, भगवद गीता का 10वां श्लोक है 10वें अध्याय का, जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने जो भक्त होते हैं, जो सतत भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको शिक्षा गुरु के रूप में उनके चित्त में बैठे हुए भगवान उनको दिव्य ज्ञान देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब आगे का जो श्लोक है बता रहे हैं, यथा ब्राह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितवान। ट्रांसलेशन, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं भगवान डॉट ब्रह्मा एंड मेड हिम सेल्फ रियलाइज्ड। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ब्रह्मा जो सबसे पहले जीव हुए हुए इस सृष्टि में, उनके पिता बने, उनके गुरु बने और उनके शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और माँ बाप, हर चीज़ ब्रह्मा के लिए भगवान कृष्ण ने ये रोल पहला अदा किया और उनको हृदय में जो है जो संपूर्ण ज्ञान प्रदान करके उनको सेल्फ रियलाइज किए, आत्म साक्षात्कार प्रदान किए। तो यथा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं, ब्रह्मणे मतलब ब्रह्मा जी को, यथा जिस प्रकार से भगवान स्वयं स्वयं भगवान या भगवान स्वयं जो है सुप्रीम लॉर्ड भगवान कृष्ण ही हैं जो ये ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितवान, स्वयं खुद जो है उपदिश्या उनको उपदेश दिया अनुभावितवान, ताकि ब्रह्मा जी अनुभव कर सके, परसीव कर सके किसी किस चीज़ का, आध्यात्मिक सृष्टि का, आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जीवन का जो है उसका साक्षात्कार प्राप्त कर सके। तो ये स्वयं भगवान ये ज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण स्वयं। तो कृष्ण किस रूप में दिए, तेने ब्रह्मा हृदयादि कव्य, हमने भागवत के प्रथम श्लोक में अध्ययन किया है, वेद व्यास जी बताते हैं कि तेने ब्रह्मा हृदयादि कव्य,
जो भगवान कृष्ण हैं वो ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित किए हैं। अभी हृदय में कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। तो स्वयं भगवान ही हैं जो अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तार करके हर किसी हर जीव के हृदय में उपस्थित होकर उसके शिक्षा गुरु चैत्य गुरु बन करके उसको ज्ञान देते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं कि वो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकें। जिस प्रकार से वो जो परमात्मा है सबे सबों के हृदय में, वो कौन है? वो स्वयं भगवान के ही विस्तार हैं, इस बात से सूचित होता है। और यथा शब्द यहाँ पे जो आया है जस्ट एज, तो ये उदाहरण दिया गया है जैसे पिछले श्लोक में तुलसीदास कविराज गोस्वामी गीता का ये श्लोक कोट किए, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं, कि भगवान बुद्धि देते हैं हृदय में उपस्थित हो करके, ताकि जो है भक्त है बड़ी आसानी से भगवान को समझ करके भगवान को प्राप्त कर सके। तो यह कार्य भगवान किस प्रकार करते हैं, उसके उदाहरण में कृष्णदास कविराज उसमें बता रहे हैं, यथा ब्रह्मणे, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त संपूर्ण जगत में केवल अंधेरा ही अंधेरा था, और चारों तरफ ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक कमल का जो है पौधा है, और कमल के पौधे पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, और नीचे बहुत विशाल गर्भोदक सागर है। उस गर्भोदक सागर क्या था वास्तव में? उसमें जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो महाविष्णु के एक एक रोम कूप से, यानी एक एक शरीर के छिद्रों में से एक एक ब्रह्मांड पैदा होते हैं। फिर महाविष्णु एक और अवतार लेके विस्तार लेके अंदर घुसते हैं एक एक ब्रह्मांड में, और उस ब्रह्मांड में सबसे पहले अपने पसीने के द्वारा एक जल उत्पन्न करते हैं जिसको गर्भोदक जल बोला जाता है। गर्भ गर्भ उदक, उदक मतलब होता है जल, गर्भ मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को गर्भ भी बोला गया है क्योंकि वो गर्भ है जहाँ सारे जीव पैदा होते हैं। गर्भोदक जल से उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। फिर वहां पे अनंत शेष की शैया में भगवान महाविष्णु, भगवान विष्णु, गर्भोदक शायी विष्णु, इसलिए नाम पड़ा उनको इस विष्णु का नाम, तो गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में भगवान वहां पे शयन करते हैं और फिर सृष्टि लीला प्रारंभ करते हैं। तो वास्तविक सृष्टि लीला फिर गर्भोदक्षायी विष्णु जो है वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं अपने पद्म नाभ कमल नाभ नाभि से, जो पुष्प कमल पुष्प उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए सृष्टि के रचयिता, लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या पर्पज है, ये संसार क्या है, हर जगह अंधेरा है, मुझे करना क्या है, ये सब कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तब वो परम भगवान का आश्रय लेते हैं और प्रार्थना अर्पण करते हैं, तपस्या करते हैं। जब समाधि में जाते हैं तो भगवान विष्णु, तो पिछले श्लोक में जो बताया गया है, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, कि जब कोई भक्त सतत रूप से मेरे सेवा में लगता है या उसकी इच्छा होती है मेरे बारे में जानने की या मेरी सेवा करने की, उसको भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यथा ब्रह्मणे, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी जब भगवान अज्ञानता में थे, उनको सृष्टि कैसे करना है कुछ पता नहीं चल रहा है, उनका जन्म क्यों हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो जब वो परम भगवान का आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब इस समाधि की अवस्था में जाके भगवान जो है उनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान, तेने ब्रह्म ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, तेने ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्ञान आदि कवि, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी को आदि कवि बोला जाता है। कवि का मतलब होता है बहुत महान, जो इंजीनियर होता है या पोएट होता है या कोई सृष्टिकर्ता को कवि बोला जाता है, जो तो कुछ नया आविष्कार करे उसको कवि बोलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो बहुत ज्ञानी होता है उसको कवि बोलते हैं। तो आदि कवि ब्रह्मा जी का एक नाम है आदि कवि, यानी सबसे पहले कवि वही है संसार के सृष्टिकर्ता। तो उनको जब ये ज्ञान की जरूरत होती है तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान पूरे सृष्टि की रचना तो सिखाते ही हैं, साथ ही साथ में अपने बारे में भी दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं। भागवत का आगे के आगे चल के कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवत के चतुश्लोकी भागवत को कोट करने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें बताएंगे भगवान स्वयं कि मेरी कृपा से, मेरी अनुकंपा से, हे ब्रह्मा, अब आप जान जाओगे, जान पाओगे कि
कि न केवल आप ये जान पाओगे कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना करती है करना है, बल्कि आप यह भी जान पाओगे कि सृष्टि का मूल उद्देश्य क्या है। और न केवल इतना ही, आपको पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत भी दिखेगा, आप मेरे बारे में संपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार से भगवान ने संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया ताकि वो दोनों चीज कर सके, भौतिक प्रकृति का सृष्टि भी कर सके और साथ ही साथ में आध्यात्मिक जगत का दृष्टि भी प्रदान किए, ज्ञान भी प्रदान किए, ताकि वो जीव जो जीव उत्पन्न होंगे उनके लिए ब्रह्मा जी जो है सही मार्ग बना सके, दिखा सके कि इस भौतिक संसार में रहते हुए लोग आध्यात्मिक जगत के बारे में जान के वहां पहुंच सके। इसलिए ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के सर्वप्रथम आचार्य हैं, गुरु की भी भूमिका अदा करते हैं। हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ब्रह्मा जी हमारे प्रथम आचार्य हैं और ब्रह्मा जी प्रथम जीव होते हैं जिनको भगवान स्वयं ज्ञान देते हैं, दीक्षा देते हैं और शिक्षा भी देते हैं। और इस प्रकार से एक गुरु शिष्य परंपरा भगवान चालू करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्य अनुभावितवान, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो भगवान जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से तो दीक्षा दे के उनको शिक्षा भी दिया और दीक्षा भी दिए और गुरु परंपरा चालू किए। तो इस गुरु परंपरा में ज्ञान पास ऑन हो रहा है, नीचे 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 आता जा रहा है नॉलेज। ब्रह्मा जी ने फिर अपने शिष्य नारद मुनि को दिया, फिर नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास जी को दिया ज्ञान, वेद व्यास जी ने अपने शिष्य मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य ने फिर पद्मनाभ नरहरि यक्षोभ्या, इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा आते आते माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके षड गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति गुरु ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये दीक्षा और शिक्षा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। तो भगवान लेकिन इतने दयालु हैं और उनके अंदर इतनी तीव्र इच्छा है किसी जीव को उद्धार करने की कि केवल इस परंपरा में भगवान सीमित नहीं रखना चाहते हैं किसी जीव को। हालांकि ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये परंपरा के माध्यम से तो भगवान गुरु को अपने स्वरूप के रूप में भेजते हैं, लेकिन साथ ही साथ में भगवान दूसरे रूप में जो ब्रह्मा जी के सामने यथा ब्रह्मणे, कि ब्रह्मा जी के लिए जिस प्रकार से भगवान उनको दिव्य ज्ञान दिए, हृदय में खुद उपदेश दिए, उसी प्रकार से भगवान हर जीव को और विशेषतः जैसा पिछले श्लोक में बताया गया है कि तेषां सतद्युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्, जो भक्त हैं भगवान के जो इस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं विशेष रूप से उनके भगवान स्वयं उपदिश्य अनुभावितान्वान बन जाते हैं। तो हम जैसे जो जीव हैं जो कि उतने योग्य नहीं हैं, जैसे ब्रह्मा जी तो बहुत योग्यवान है ना, ऐसा बोला जाता है इस पूरे भौतिक जगत में जो सबसे ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मा जी बनने का मौका मिलता है, वो पोस्ट है। तो भौतिक दृष्टि में तो ब्रह्मा जी काफी योग्य हैं, लेकिन भगवान के नजर में चाहे ब्रह्मा हो या छोटा सा चींटी भी हो, भगवान या छोटा सा छोटा पतित से पतित व्यक्ति भी हो, अगर वो भी भगवान को जानने के लिए उत्सुक होता है, इच्छा रखता है, तो भगवान उसी प्रकार से उस जीव को भी, उस भक्त को भी ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो यहाँ पर यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं उपदिश्यानुभावितवान, ये शब्द ये सूचित करता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी पर्पोर्ट में लिखते हैं, द इंग्लिश मैक्सिम दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द ट्रांसेंडेंट रियल, है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपने आप की मदद करना चाहते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी जानना चाहते, तो उनके अंदर इच्छा थी, उत्सुकता थी जानने की संसार को, सृष्टि को, भगवान के बारे में, तो भगवान ने उनको मदद किया। उसी प्रकार से कोई भी भक्त, कोई भी जो भक्त होते हैं वो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान का सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए भगवान उनको मदद करते हैं। तो कोई प्रश्न पूछेगा, क्या ये पार्शियलिटी नहीं है कि भगवान पार्शियल हो जाते हैं, केवल भगवान उनको ही मदद करना चाहते हैं जो भगवान को जानने के लिए इच्छा रखते हैं, सतत युक्ता नाम, जो भगवान का सदैव सेवा में लगे हुए हैं, केवल उन्हीं को भगवान बुद्धि देते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, भगवान हर किसी जीव को बुद्धि देने के लिए तैयार हैं और हर किसी जीव को कृपा करने के लिए तैयार हैं और करते भी हैं, लेकिन जो लोग भक्त होते हैं, जो इच्छा रखते हैं, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसको स्वीकार करके और उसका फायदा उठा के आगे बढ़ पाते हैं। और जो ना ही जो भक्त नहीं है वो भगवान के उन उपदेशों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं,
और वो केवल जो भौतिक तरीके से जो भगवान मदद करते हैं, क्योंकि भगवान दोनों तरीके से मदद करते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में किसी जीव का मदद करते हैं। तो जो भक्त भक्त नहीं होते हैं वो लोग भौतिक चीजों के लिए जो मदद प्राप्त होती है भगवान से, केवल उसका ही फायदा उठा के भौतिक भोग में लगे रहते हैं, इसलिए वो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं भगवान का जो उपस्थिति है उनके हृदय में शिक्षा गुरु के रूप में। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान उनको और जो अभक्त होते हैं दोनों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनका क्योंकि इच्छा होता है, वो सतत युक्ता नाम है, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहते हैं या लगे रहते हैं, इसलिए वो भगवान के द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षा को, गाइडेंस को, जो परमात्मा की आवाज आती है उसका फायदा उठा के वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये है, जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए कि जब बारिश होती है तो बरसात अगर किसी जगह में हो रही है तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि मैं केवल जो जहाँ पे वृक्ष हैं पेड़ पौधे हैं केवल वहीं पे बरसना है, जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे नहीं बरसेंगे। बरसात तो यहाँ तक के समुद्र में भी होती है, नदी में भी होती है, और पत्थरों में भी होती है, जमीन में होती है। लेकिन जो पत्थर होते हैं वो उसमें बस पानी बरसेगा और थोड़े समय तक वो गीला रहेगा, उसके बाद अपने आप वो साफ हो जाएगा, एज इट इज रह जाता है। लेकिन धरती में जब पानी गिरता है तो वहाँ पे बहुत सारा वेजिटेशन, फ्लावर, प्लांट्स, ये सब पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जो धरती है वो उपजाऊ है, तो पानी मिलते ही तुरंत उसमें जो बीज हैं वो प्रकट हो जाते हैं और फली फूल फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं। लेकिन जो तो पत्थर है वो उपजाऊ नहीं है, उसमें ना तो बीज भी नहीं है, और अगर बीज होगा भी तब भी उस वो फूल फल नहीं पाएगा क्योंकि उपजाऊ नहीं। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो भक्त होते हैं उनका हृदय उपजाऊ होता है। उपजाऊ होता है मतलब उनके हृदय में भक्ति भक्ति बीज होता है, भक्ति का बीज होता है, भक्ति रूपी बीज होता है। तो जैसे ही भगवान की कृपा, आध्यात्मिक शिक्षा गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से शिक्षा गुरु के माध्यम से जब वो शिक्षा मिलती है, कृपा मिलती है, तो भक्ति में फली फूल फलने लगता है, फूलने लगता है। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए यहाँ पे श्लोक में ये बोला जा रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। देयर आर मेनी इंस्टेंसेज इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड्स एक्टिंग एज द स्पिरिचुअल मास्टर फ्रॉम विद इन। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है किसी जीव के हृदय में उपस्थित होकर परमात्मा के रूप में उसके गुरु बनते हैं। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर हु इंस्ट्रक्टेड ब्रह्मा द ओरिजिनल लिविंग बींग इन द कॉस्मिक क्रिएशन। व्हेन ब्रह्मा वॉज फर्स्ट क्रिएटेड ही कुड नॉट अप्लाई हिज क्रिएटिव एनर्जी टू अरेंज द कॉस्मिक सिचुएशन। एट फर्स्ट देयर वॉज ओनली साउंड वाइब्रेटिंग द वर्ड तपा विच इंडिकेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ हार्डशिप्स फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेंसुअल एंजॉयमेंट वन शुड वॉलेंटरली एक्सेप्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज फॉर फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड तपस्या। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे इस सृष्टि में तो उनको कुछ पता नहीं था, उनके पास जो शक्ति है, जो बुद्धि है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे वो, तो इसलिए उनको सब सर्वप्रथम भगवान ने ये उपदेश दिया कि तपा तप, ये शब्द के द्वारा उनको भगवान इंडिकेट किए कि तपस्या करो। तपस्या का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक जीवन के साक्षात्कार के लिए शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करना, करने को तपस्या करते हैं। विधि क्या है कि साधन, जो साधन बताया गया है आचार्यों द्वारा, भगवान के द्वारा, उसको स्वीकार करना, और विधान क्या है कि इंद्रिय तृप्ति की भावना से मुक्त करना अपने आप को, वो विधान है। तो जब कोई ये दोनों कार्य करता है तो उसका हृदय जो है उपजाऊ हो जाता है, जैसे मैं उदाहरण बता रहा था। तो उस उपजाऊ हृदय में जब उपजाऊ हो जाएगा हृदय, फर्टाइल हार्ट, तो उसमें भगवान के द्वारा जो कृपा की बारिश हो रही है, दिव्य ज्ञान शिक्षा गुरु के रूप में दे रहे हैं भगवान, तो उसका वो लाभ उठा पाएगा और समझ पाएगा। अन्यथा जो सेंस एंजॉयर होते हैं, जो लोग इस संसार के केवल भौतिक भोग में लगे हुए हैं, उनको कोई कितना भी उपदेश क्यों ना दे, वो ना तो उसको समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतारने की बात तो दूर ही है ना। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि तुमको ये ज्ञान कौन दे रहा है, इतना भक्ति तुमको कौन सिखा रहा है, क्योंकि गुरुकुल में तो हिरण्यकश्यप की जय सिखाया करते थे। हिरण्यकश्यप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, तो उस हिरण्यकश्यप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये नारायण इंस्टीट्यूट का, नारायण टेक्नोलॉजी का कौन ज्ञान कौन दे रहा है, तो ये कोई दे नहीं सकता। यानी अंदर से, या तो बाहर से ही कोई आ रहा, बाहर से भी कोई नहीं आ रहा है, तो फिर प्रहलाद कहाँ से सीख रहा है। तो प्रहलाद को ये प्रश्न पूछा, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो जिनसे तुमको, आपको शक्ति मिलती है, आपको बुद्धि मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है इस संसार में
नास्तिक बने रहने के लिए, भोग करने के लिए, उसी से मुझे भी स्मरण मिलता है, वही भगवान मुझे ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। लेकिन सबसे पहले, ये बात बोलने के पहले, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हारा मति कृष्ण में ऐसा कैसे लग रहा है, तो प्रहलाद महाराज एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। पहले तो बताते हैं किसका मति नहीं लगेगा, पहले आप ये सुनिए, कौन कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो सकता है। तो बोलते हैं, मतिर न कृष्णे परतो सतोवा मिथो अभ्युपद्येत गृहव्रता नाम अदांत गोभीर विशिताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वना नाम, कि ऐसे लोगों का मति कृष्ण में कभी नहीं लगेगा, अपने खुद के प्रयास के द्वारा, या कोई कितना भी उनको आके उपदेश दे, चाहे कोई भक्त है या वैष्णव है या कोई भी, स्वयं भगवान भी आके उपदेश क्यों ना दे, ये ऐसे लोगों का मति नहीं लगेगा जो लोग गृहव्रता नाम है अदांत गोभीर, गोभीर मत, गो का मतलब होता है इंद्रिया, अदांत मतलब जो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कि ग्रह व्रता नाम, जिन्होंने ग्रह का व्रत ले रखा है, वाउ ले रखा है, यानी व्रत ले रखा है किस चीज का, ग्रह व्रता नाम का मतलब होता है कि मैं इसी भौतिक संसार में, इसी ग्रह अंधकूप में ही रहना चाहता हूँ, यहाँ से मैं बाहर निकलना ही नहीं चाहता हूँ। जैसे कोई भिखारी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा शराब पीता है और गटर में ही रहना चाहता है, तो उसको, अगर उसने ये डिटर्मिनेशन ले लिया है, व्रत ले लिया है कि मुझे गटर में ही रहना है, मुझे वहां से बाहर निकलना ही नहीं है, तो कितना भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, अमीर व्यक्ति आ जाए, बोले चलो मैं तुमको बहुत अच्छा जॉब देता हूँ, अच्छा कपड़े देता हूँ, अच्छा घर देता हूँ, हवेली देता हूँ, अच्छा खाने को देता हूँ, चलो मेरे साथ, लेकिन अगर किसी ने व्रत ले लिया कि नहीं मुझे यहीं पर रहना है, तो उसको कोई भी नहीं सुधार सकता है ना। तो उसी प्रकार से ये जो एक डिजीज है कि ग्रह व्रता नाम, भौतिक संसार में आसक्ति बना के रखने का संकल्प ले लेता है जो व्यक्ति, तो मुझे ये छोड़ना ही नहीं है, मुझे इंद्रिय तृप्ति भोग को छोड़ना ही नहीं है। देखिए, ये दो चीजें अलग अलग है, एक तो होता है कि हम इस भौतिक संसार की आसक्तियों में, भोग में फंसे हुए हैं, लेकिन हम इससे निकलना चाहते हैं, अभी हम फंसे हुए हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा इच्छा है कि हम इससे बाहर निकलें, ये एक अलग कंडीशन है, ये एक अलग चीज है। लेकिन एक होता है कि जो फंसा भी हुआ है, लेकिन साथ में वो फंसे रहना ही चाहता है, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो व्यक्ति फंसा हुआ है संसार में, लेकिन उसके अंदर इच्छा है कि मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, वो ग्रह व्रता नाम नहीं, वो योग्य व्यक्ति होता है। जैसे ही वो भक्त या वैष्णव या भगवान का उपदेश को ग्रहण करेगा, तो वो बड़ी आसानी से निकल सकता है ना। लेकिन जो ये व्रत ले लिया है कि नहीं मुझे इसी संसार में रह के भोग करना है, भले कितना भी दुख हो, तो उस व्यक्ति को कोई नहीं निकाल सकता है, इसका उदाहरण दिया जाता है। इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति है, ये टू वे प्रोसेस है। कुछ लोग बोलते हैं ना, भगवान जब कृपा करेंगे तब हमारा भौतिक बंधन छूटेगा, तो सत्य बात है, लेकिन केवल भगवान की कृपा नहीं है, हमारे तरफ से भी है, ये टू वे प्रोसेस है ना। हम जितनी मात्रा में प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा उसमें मिलके हम बाहर निकलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि संसार में हम फंसे हुए हैं, उसको हम इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं, जैसे कोई अंधकूप, बहुत ही गहरे अंधे कुएं में नीचे गिर गया है, तो ऊपर से जो व्यक्ति है उसको बचाने के लिए रस्सी दे सकता है, लेकिन जब तक वो नीचे वाला व्यक्ति रस्सी को पकड़ेगा नहीं, तो ऊपर वाला व्यक्ति उसको खींच के नहीं निकाल पाएगा, है ना। यानी हमारे तरफ से प्रयास ये है कि हमको इच्छा रखना है कि ग्रह अंधकूपम, ये अंधे कुएं रूपी, भौतिक संसार रूपी अंधे कुएं से मुझे बाहर निकलना है। इसके लिए जो वैष्णव है, भगवान है, आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में, भक्ति साधन भक्ति के रूप में, हरिनाम के रूप में, जब रस्सी हमको देते हैं, तो हमको उसको पकड़ना है, और कैसे पकड़ना है, कस के पकड़ना है। कस के पकड़ना मतलब दृढ़ता पूर्वक साधन भक्ति का प्रयत्न करना है, जो श्रवण कीर्तन है, हरिनाम जप करना है, इसको बहुत दृढ़ता से करना है, नियमित रूप में करना है, इस विधि का और विधान का, जो चार नियम बताए गए हैं, उनका पालन बहुत दृढ़ता के साथ करना है। तो जब हम ऐसे करते हैं, यानी हमने रस्सी को कस के पकड़ लिया है, फिर जो है भगवान और गुरु जो होते हैं, ऊपर से रस्सी के द्वारा उसको खींच के उसका उद्धार कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी भगवान वही उपदेश देते हैं कि तपस्या करो। तपस्या का अर्थ होता है, कई लोग तपस्या मतलब समझते हैं कि शरीर और मन को तकलीफ देना, टॉर्चर देना, वो तपस्या नहीं है, वो तो सेल्फ टॉर्चर हुआ। तपस्या का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो विधि और विधान दिए गए हैं शास्त्रों में, उनको करने के लिए कितनी भी डिफिकल्टी आए, कठिनाइयां आए, उसको स्वीकार करते हुए उन विधि विधानों का पालन करना ही तपस्या है, ये तपस्या है।
तो विधि क्या है, मैं कई बार बताया, फिर से रिपीट करते हैं ताकि क्लियर कट सबको पता रहे। विधि है, चार विधि बताई गई है हमको, ए बी सी डी। भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के मुख से गीता भागवत का श्रवण करना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए, और जो है भगवान के गीता भागवत का श्रवण करना चाहिए, ये विधि है। विधान क्या है, चार विधान बताएंगे। विधान का मतलब है जो नहीं करना है ना, शॉर्ट में समझे तो डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। विधान मतलब चार नियम जो बताए गए हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और पर संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ये जब विधि और विधानों का अपने जीवन में पालन करने के लिए जो तपस्या, जो कठिनाई आती है उसको तपस्या बोला गया है। तो ये तपस्या जो करता है तो वो योग्य व्यक्ति बन जाता है, भले ही वो भौतिक संसार में कितना भी फंसा क्यों ना हो, लेकिन ये तपस्या करने के लिए जब तैयार हो जाता है तो वो योग्य बन जाता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। फिर आगे बता रहे हैं, एन एंजॉयर ऑफ द सेंसेस कैन नेवर रियलाइज गॉड गॉडलीनेस और द साइंस ऑफ थियस्टिक नॉलेज। हाँ, जो जो कि मैं ऑलरेडी बताया आपको कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो अदांत गोभीर विशिताम तमिश्रम, अदांत जो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता है, सेंस एंजॉयर है यानी इंद्रिय भोग में ही लगा हुआ है, तो कभी भगवान को भक्ति को साक्षात्कार नहीं कर सकता। और इस प्रकार से विशिताम तमिश्रम, तमिश्रम मतलब अंधकार में, तमोगुण में पूरी तरह से वो चला जाता है। दस व्हेन ब्रह्मा इनिशिएटेड बाय श्री कृष्ण बाय द साउंड वाइब्रेशन तप एंगेज हिमसेल्फ इन एक्ट्स ऑफ ऑस्टेरिटी, ही बाय द प्लेजर ऑफ विष्णु ही वॉज एबल टू विजुअलाइज द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड श्री वैकुंठा थ्रू ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब भगवान के दिए हुए निर्देशानुसार ये इस प्रकार की तपस्या में अपने आप को लगाते हैं, तब भगवान की कृपा से वो आध्यात्मिक जगत श्री वैकुंठ धाम को विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, और इस प्रकार से साक्षात्कार उनको मिलता है। मॉडर्न साइंस कैन कम्युनिकेट यूजिंग मटेरियल डिस्कवरी सच एज रेडियो टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स, बट द साइंस इन्वोक्ड बाय द ऑस्टेरिटीज ऑफ श्री ब्रह्मा द ओरिजिनल फादर ऑफ मैनकाइंड वॉज स्टिल मोर सटल। इन टाइम मटेरियल साइंटिस्ट मे ऑल्सो नो हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द वैकुंठ वर्ल्ड। लॉर्ड ब्रह्मा इंक्वायर्ड अबाउट द पोटेंसी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड आंसर्ड हिज इंक्वायरी इन द फॉलोइंग सिक्स कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स। दीज इंस्ट्रक्शंस विच आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम श्रीमद भागवतम वर इम्पार्टेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड एक्टिंग एज ए सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब प्रॉपर तरीके से इस प्रकार की तपस्या किए तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होके उनसे हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक ऐसा भागवत में वर्णन है कि भगवान उनसे हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने के कहने का मतलब है कि भगवान उनको स्वीकार करते हैं अपने सृष्टिकर्ता के रूप में, और उनको पूरा दिव्य ज्ञान देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और आध्यात्मिक जगत भी दिखा देते हैं इस प्रकार से। और फिर ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु के साथ वार्तालाप होता है। ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान की शक्तियों के बारे में, तो भगवान कृष्ण जो हैं उनको भगवान विष्णु के रूप में आने वाले आगे आने वाले 6 श्लोकों के माध्यम से, जिसमें से चार तो चतुश्लोकी भागवत के श्लोक हैं, चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है, जो ओरिजिनल भागवतम के श्लोक हैं, जो ओरिजिनली ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भगवान विष्णु ने भागवतम का कथा किया था। फिर उन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को थोड़ा और अच्छे से विस्तार करके प्रकट किया। नारद मुनि ने वेद व्यास जी को और अच्छे से बताया, और उसी को वेद व्यास जी ने एलोबरेट करके और कई पुराणों और कई कथाओं को मिला के 18,000 श्लोक के रूप में हमको भागवत के रूप में, इस ग्रंथ के रूप में दिया है। तो ये हम लोग आने वाले सत्र में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के रूप में उनको दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस अनिकेत प्रो। हरे कृष्ण प्रभु, आपने जैसा बोला था कि सबसे पुण्यवान व्यक्ति ब्रह्मा बनता है, तो हाँ ब्रह्मा तो एकदम अपना मोड ऑफ गुडनेस में रहेगा, तो फिर बाद में जब भी भगवान कृष्ण ने भी लीला करना है तभी वो ये इतना कैसे हो गया, मतलब डिस्टर्ब, मतलब कैसे भूल गया भगवान को। हाँ तो ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि यहाँ पे जो मोड ऑफ गुडनेस है, सतोगुण भी है, तो वो भी कई बार रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है ना। इसीलिए केवल और केवल जो भगवान का विशुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति करके वो शुद्ध सतोगुण में पहुँचते हैं, दिव्य सतोगुण में पहुँचते हैं, तो वो केवल विचलित नहीं होते हैं, बाकी हर कोई विचलित होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जो कि सतोगुण में थे, पूर्ण सतोगुण में थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी तमोगुण का प्रवेश हुआ जिस टाइम पे, तो वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाया, भ्रमित हो गए। तो ये प्रूफ है कि इस भौतिक जगत के सतोगुण के द्वारा कर भी हमको पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमको और आगे बढ़ना चाहिए और भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके शुद्ध सतोगुण में जाना चाहिए।
हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यश श्रुति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं श्रुति की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, मेरा मेरा सवाल था प्रभु जी कि आप अभी बोल रहे थे कि जो प्रभुपाद जी ने बोला है कि चार नियम का पालन करना है, मतलब मांसाहारी नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, गलत संग में नहीं रहना हाँ चाहिए। तो प्रभु हाँ जी, मेरा एक हम लोग का घर से रिलेटिव है, मेरे भाई है, वो पूजा पाठ करते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं। और मैं पूछती हूँ ना, हम लोग नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, तो बोलते हैं नहीं, भगवान ने बनाया, भगवान बोलते सब खाना चाहिए। ठीक है, समझ गया आपका ये प्रश्न, गलत समझ है। गया। हाँ, ये पूरा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि भगवान और गुरु और आचार्यों और शास्त्रों के माध्यम से हमको पता चलता है कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो कुछ विधि है, उसका पालन करना है, और कुछ विधान भी है, उसका भी पालन करना है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर डॉक्टर जो होता है कुछ दवाइयाँ देता है और साथ में कुछ परहेज भी बताता है। तो अगर कोई व्यक्ति केवल दवाई लेगा और परहेज नहीं करेगा तो दवाई का असर पड़ेगा, लेकिन बहुत कम पड़ेगा, और उसका बीमारी ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा और तकलीफ ज़्यादा होगी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो भगवान का भक्ति तो कर रहा है लेकिन साथ में पाप भी कर रहा है, तो उसका शुद्धिकरण में बहुत समय लगेगा। इसको अपराध भक्ति, अपराध युक्त भक्ति बोलते हैं, और इसमें कई कई जन्म लगेंगे और उसको तकलीफ भी ज़्यादा होगी, है ना। और रही बात जो उनका लॉजिक है कि भगवान ने तो ऐसा मांसाहार वगैरह बनाया है तो हमको खाना चाहिए, तो हर चीज़ जो भगवान ने बनाया है हमारे खाने के लिए नहीं है, है ना। भगवान ने तो विष भी बनाया है, तो क्या आप विष जाके पी लेंगे? अगर आप ऐसा लॉजिक दे रहे हैं तो भगवान ने जो पॉइजन बनाया है, पोटेशियम साइनाइड है, भौतिक प्रकृति में जाके खा लीजिए उसको भी। और भी बहुत सारी चीज़ें भगवान ने बनाया है, हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो सारी चीज़ आप खा लेंगे क्या? तो भगवान ने क्या हमारे लिए उचित है वो भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीज़ भगवान बोलते हैं। आप पत्ता खा सकते हो, फूल खा सकते हो, फल खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, जल, तो यह मतलब जल है, दूध है, पनीर है, ये सब खाइए ना, ये मनुष्य के लिए बताया हुआ चीज है, हम तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रीवा से रमा तिवारी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे माला करना हो तो क्या इसके लिए हमको गुरु दीक्षा लेकर इसके पश्चात प्रारंभ करना चाहिए कि कभी भी कर नहीं, सकते हैं? हरिनाम जप आप कभी भी कर सकते हैं। हरिनाम जप आप स्टार्ट कर दीजिए, और फिर जी बाद में ये हरिनाम जप बिना दीक्षा दीक्षा पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि भगवान, जैसे जी यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान स्वयं शिक्षा गुरु के रूप में हर जीव के शिक्षा गुरु हैं, तो हमारा भगवान से डायरेक्ट संबंध है, इसलिए हम भगवान के नाम का जप कैसी भी स्थिति में कर सकते हैं, और जी इसलिए हमको अभ्यास चालू कर देना चाहिए। लेकिन जब हम किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं तो जी प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हमारा गुरु शिष्य परंपरा के से होते हुए भगवान के साथ एक ऑफिशियल कनेक्शन, ऑफिशियल जो संबंध है वो स्थापित होता है, तो हमारे लिए और ज़्यादा मददगार होता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो जी वो भी जरूरी है हरे इसलिए। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण, जी, हरे कृष्ण माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ हरे प्रभु जी, वो यही प्रश्न था कि जो हमारे कोई नॉलेज में है, क्लोज रिलेटिव में है, जो जैसे होता है किसी की मैरिज हुई है दूसरे, उसमें तो वो नॉनवेज खाते हैं और हम नहीं, अच्छा लगता है कि हमारे घर आते हैं तो अजीब सा एक फील आता है, तो कैसे रोके वो चीज, कैसे कंट्रोल करें, क्या लॉजिक अच्छा, दिए ओके ज्यादा ओके। तो पहली बात मतलब। तो हाँ, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अलग अलग पाप करते हैं, तो हमको उनसे घृणा नहीं करना चाहिए, और लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हम उनको किस प्रकार से धीरे धीरे भक्ति मार्ग में जोड़ दें, और फिर वो धीरे धीरे समझ के इस पाप कर्म को छोड़ दें। तो जनरली हम प्रयास करते हैं लोगों को भक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो बाकी जो छोड़ने वाला कार्य है, जैसे ऐसे जो कोई भक्त भक्ति में जुड़ता जाता है, हरिनाम जप करता जाता है और श्रवण करता है भक्तों के मुख से, तो धीरे धीरे वो अपने आप छोड़ना लग जाता है, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि अगर आप किसी को बोलोगे कि आप ये सब छोड़ दो, नॉनवेज छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दो, तो वो आपको ही छोड़ देगा, वो सब नहीं छोड़ेगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत ड्रिंकिंग करता था, तो एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा, बहुत सारी बुराइयां लिखी हुई है, नेगेटिविटी लिखा हुआ है कि ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए, शराब पीने से ये नुकसान होता है, ये बीमारी होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब। उसके बाद वो छोड़ दिया पूरी तरह से, लेकिन पता है क्या छोड़ दिया? वो ड्रिंकिंग करना नहीं छोड़ा, न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्त लोग बहुत बुद्धिमान इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके वो लोगों को पहले भक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, हरिनाम जप करने को प्रेरित करते हैं, भक्तों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब वो लोग धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप छोड़ दो ये सब चीज़ें, नहीं खाना चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब वो जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, वो ऐसा होता है कि कभी घर आना होता है क्योंकि क्लोज में है, तो वो लहसुन प्याज खिलाने का ज्यादातर फोर्स करते हैं, इस तरह से होता है। मतलब खुद तो वो हाँ, तो नॉनवेज उनको आप खाते बता हैं। सकते हैं, समझ गया। हाँ, तो आप ऐसे में आप बोल सकते हैं कि हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हम लोग बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं, तो आप एक बार खाइए, और फिर भी अगर इंसिस्ट करें तो आप उनको अलग से दे दीजिए प्याज, है ना, लेकिन बनाना नहीं चाहिए, और आपके जो घर के सदस्य हैं उनको नहीं खाना चाहिए। तो भगवान को भोग जो है बिना प्याज लहसुन के बनाना चाहिए, वही भगवान को खिलाना चाहिए, और वही आपके कोई घर के संबंधी लोग आए तो उनको भी वही प्रसाद खिलाना चाहिए, और बताना चाहिए कि हमारा ये सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, तो हम नहीं तोड़ सकते। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर सगे संबंधी लोग स्वीकार कर लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ओके, हरे कृष्णा, यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, प्रभु जी, हरे हरे राम कृष्ण राम प्रभु राम जी, हरे हरे, पंचकल्पतरूपेश कृष्ण, कृपा सिंधु भे भुज पतितानां पावने वैष्णव।